इसका जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल आपके पास दिया रहेगा और आपको कंपेयर करना है ईएमएफ, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना है, कंपेयर करना है कि उनका रेशियो क्या होगा या कौन किसका वैल्यू ज़्यादा है किसका वैल्यू कम है। बहुत ही सिंपल है। देखो करना क्या है तुमको, पहले तुम इस स्विच वन को इस थ्री के साथ लेके जाओ, तुम स्विच को लेके जाओ थ्री के साथ, ऐसा क्लोज करो स्टेप वन। तो स्टेप वन में आपको स्विच वन को थ्री पे ले गए, क्लोज किए और तुम अभी ये नल पॉइंट खोजो कि हमको कहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा था। तो मान लो कि इससे वन और थ्री को क्लोज करने के बाद जो मेरा सेल ई वन था या जो सेल वन था वो आपका आ गया है सर्किट में, अब तुम नल पॉइंट खोजो। तो मान लो कि इस एंड ए से नल पॉइंट L1 डिस्टेंस पे मिला, तो हम क्या बोलेंगे कि इस सेल का जो होगा ये में हो जाएगा के इंटू L1। के क्या होगा, के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो कुछ होगा हमको नहीं पता अभी, वो कुछ उसका होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद आपको करना क्या है, इन सेकेंड स्टेप, इन स्टेप टू आप इस वन से हटाओ यहां से और इस टू और थ्री को क्लोज करो, ये टू और थ्री को करो क्लोज यहां पे। तो आप जब इस टू और थ्री को क्लोज करोगे तो जो आपका सेकेंड सेल था वो इस बार आएगा सर्किट में और फिर से नल पॉइंट फाइंड करो। तो मान लो कि पॉइंट ए से नल पॉइंट मिला है L2 डिस्टेंस पे, तो मतलब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे E2 बराबर K इंटू L2, क्योंकि देखो मेरा पोटेंशियोमीटर सेम था तो उसका K का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, वो सेम रहेगा। अब हो गया बस, अब यहाँ से फाइंड कर लो रेशियो ऑफ वन एंड टू। तो मतलब कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि E1 बाई E2 इज इक्वल टू KL1 बाई KL2, K से K कैंसल आउट, तो आपका यहाँ से आ जाएगा कि E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। बस देखो कितना सिंपल है, बस तुमको दो लेंथ फाइंड करना है L1 और L2 और जो उनके लेंथ का होगा रेशियो वही उस दो सेल के ईएमएफ का भी रेशियो होगा। मतलब कि अगर L1 इज मोर देन L2 तो हम साफ साफ बोल सकते हैं देन पहले सेल का ईएमएफ इज मोर देन ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल। बोलो ठीक है ना, ये तो काफ़ी आसान था। अब जब बोर्ड या स्कूल में ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम थोड़ा सा एक डायग्राम बनाना और उसको एक्सप्लेन करना कि दो सेल लिया है जिसका ये कुछ ऐसा हमने मान लिया ई वन ई टू था, पहले वन और थ्री को क्लोज किया, फिर हमने नल पॉइंट फाइंड किया तो ए से मिला L1 डिस्टेंस पे, उसके बाद हमने दो और तीन को क्लोज किया फिर हमने नल पॉइंट खोजा तो हमको मिला L2 डिस्टेंस पे। नाउ इफ के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर देन वी कैन राइट E1 बराबर के इंटू L1, E2 बराबर के इंटू L2, नाउ E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2, ऐसे लिखना तुम लोग। चलो तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड एप्लीकेशन जो कि आपका है टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, और जो सेल का हमको इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करना है वो मैंने यहाँ पे लिया है जिसका हमने ये वाला दो, इस सेल का हमको करना है मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस। अब अभी तुमको जो दिख रहा होगा सर्किट, ऐसा सर्किट हमने पहले भी यूज कर लिया है, हालांकि जब तुमको सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करने में थोड़ा सा तुमको और बदलाव करना होगा, तुमको एक नोन रेसिस्टेंस का वैल्यू, नोन रेसिस्टेंस, मैंने इसको माना है कैपिटल आर, तो तुमको एक नोन रेसिस्टेंस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा विथ ये सेल जिसका मेरे को इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करना था। सिंपल सी कहानी है, देखो तुमको यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा एक नोन रेसिस्टेंस का वैल्यू, तभी हम लोग इसका इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ। और यहाँ पे एक और तुमको यहाँ पे एक स्विच ले लो, एक तो यहाँ पे एक स्विच रखो, यहाँ पे एक स्विच रखो, यहाँ पे ये स्विच एस। अब चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम लोग इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। हमने तुमको इससे पहले दो केस में क्या बताया था कि तुमको सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब कि क्वेश्चन में या सर्किट में मेंशन हो या ना हो अपने कोई चांप नहीं आ रहा था, इस केस में हमको वो इंटरनल रेसिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो तुम अगर डायग्राम ड्रॉ करना तो साथ में सेल के साथ इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी लिखना, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें तुम उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो ही फाइंड करना है। स्टेप वन, स्टेप वन में आपको करना क्या है कि ये जो स्विच एस है आप इसको ओपन रखो, तो आप जब इस स्विच एस को रखोगे ओपन तो ये जो मेरा नोन रेसिस्टेंस कैपिटल आर था वो सर्किट में नहीं आ रहा होगा, केवल मेरा ये सेल आ रहा होगा सर्किट में,
और फिर तुम नल पॉइंट ढूंढो। तो मैंने इस स्विच एस को ओपन रखा और पहले नल पॉइंट ढूंढा। तो पहले जब मैं नल पॉइंट मान लीजिए मैंने ढूंढा और हमको नल पॉइंट मिला है L1 डिस्टेंस पे। पहले हमने नल पॉइंट ढूंढा कब, इस स्विच एस को ओपन रखे। तो जब हम स्विच एस को करेंगे ओपन तो मेरा ये कैपिटल आर अभी सर्किट में नहीं आ रहा है। तो हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया, मान लीजिए L1 डिस्टेंस से मिला। तो यहाँ से एक्चुअल में हमको क्या मिला है, हमको मिला है सेल का EMF जो कि हमने अभी जस्ट सीखा है अभी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेल का EMF इज के इंटू L1। मतलब कि आपको अगर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो पहले उस सेल का फाइंड करना होगा EMF। तो हमने फाइंड कर लिया के इंटू L1, पहला स्टेप हो गया जो कि हमको पहले से पता है। अब आओ स्टेप टू में। इन सेकेंड स्टेप आप इस स्विच को क्लोज करो। आप इस स्विच को क्लोज करोगे मतलब क्या कि अब जो आपका ये नॉन रेसिस्टेंस कैपिटल आर था वो भी सर्किट में आ रहा है, वो भी आपका सर्किट में आ रहा है। और फिर से आप नल पॉइंट खोजो। इस बार इस कैपिटल आर को सर्किट में लेके आप फिर से नल पॉइंट खोजो। और मान लो कि अब जो आपको नल पॉइंट मिला है वो मिला है यहाँ से ए से L2 डिस्टेंस पे। ओके, अब देखो कहानी यहाँ पे थोड़ा समझने वाली है कि हमको फिर से नल पॉइंट मिला है और वो मिला है एट डिस्टेंस L2। ओके, लेकिन इस बार नल पॉइंट हमने चेक कैसे किया, हमने नल पॉइंट चेक किया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है, देखो यहाँ पे इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आ रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका इस ब्रांच में मतलब इस बार सेल से करंट निकल रहा हो, इस बार सेल से करंट निकल रहा हो लेकिन इस ब्रांच से इस ऊपर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा हो। देखो इन जो हमने क्वेश्चन पहले किया है उसमें और जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं इन दोनों में थोड़ा अंतर है। पहले केस में क्या था कि अगर जब मेरा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया था तो उस केस में हम श्योर थे कि सेल से कोई करंट नहीं निकला होगा। अभी क्या हो रहा है कि जब मेरा गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है नो डिफ्लेक्शन तो हो सकता है कि मेरे सेल से करंट निकला हो और वो जो करंट निकला हो कहाँ आएगा, वो आपका सेल से निकल के ये जो नॉन रेजिस्टेंस था उसमें आ रहा होगा और फिर वापस ये सेल में चला जा रहा होगा। इधर कोई नहीं आ रहा करंट, मतलब इस केस में क्या होगा कि इस केस में जो आपका ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, आपका जो ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है ना, वो एक्चुअल में इस बार आपका सेल का टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तुम लोग अंतर समझो। पहले केस में क्या था कि जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था उस केस में ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर था। अभी क्या है कि अभी ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर है। मतलब कि हम लिखेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल वी बराबर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड जे, एंड वी नो कि टर्मिनल वोल्टेज इज नथिंग बट क्या होता है, सेल का ईएमएफ माइनस सेल से जो करंट निकला होगा आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड जे। और अगर वो आपको लेंथ L2 पे मिला है तो हम लिखेंगे कि के इंटू L2। पक्का? ओके, अब देखो तो इसको तुम मान लो इक्वेशन 1 और इसको तुम मान लो इक्वेशन 2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 सेल का ईएमएफ हम लोग पहले से फाइंड करके रखे हैं के इंटू L1, तो हम यहाँ लिखेंगे के इंटू L1 माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू के इंटू L2। अब करेंट कितना होगा, तो करेंट आपका होने वाला है सेल का ईएमएफ बाई नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई बराबर, और E कितना था, E आपका था फिर से K इंटू L1, तो K इंटू L1 बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल R। अब इस I का वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे इक्वेशन में, तो यह आ जाएगा K इंटू L1 माइनस जहाँ पे I था वहाँ पे K इंटू L1 बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल R इक्वल टू K इंटू L2। देखो K कॉमन कैंसल आउट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा L1 माइनस L1 बाई आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू L2। अब तो क्या चीज, अच्छा यहाँ, हाँ अच्छा यहाँ भी होगा स्मॉल आर, ठीक है वेरी गुड। तो यहाँ से हम लिखेंगे देखो L1 कैपिटल R प्लस स्मॉल R माइनस L1 इंटू स्मॉल R, यही ना देखो तो बाई आर प्लस आर इंटू L2। अब इसको बस तुम सिंप्लीफाई करके स्मॉल आर को लेके चल जाओ एक साइड,
तो यहाँ से आ जाएगा एल वन इंटू कैपिटल आर प्लस एल वन इंटू स्मॉल आर माइनस एल वन इंटू स्मॉल आर बाई और एल टू और एल टू और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एल टू इंटू स्मॉल आर, ये तुम्हारा हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है ना। ये देखो तो नहीं नहीं तो फिर यहाँ पे तो ये हाँ नहीं तो फिर यहाँ पे ये नहीं रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा एल वन इंटू आर इक्वल टू एल टू इंटू आर प्लस एल टू इंटू स्मॉल आर। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कैपिटल आर एल वन माइनस एल टू बराबर एल टू इंटू स्मॉल आर, देखो यहाँ से हमको मिल जाएगा स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर आर एल वन माइनस एल टू बाई एल टू, वेरी गुड, मतलब कि एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू कैपिटल आर, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो कितना आसान था, मतलब एक बार तुमको वो जो कैपिटल आर था उसको सर्किट में नहीं लेना है, फिर तुमको फाइंड करना है नल पॉइंट, तो वो आपको मिलेगा एल वन डिस्टेंस पे, उसके बाद तुमको उस कैपिटल आर को सर्किट में लेना है फिर से फाइंड करना है नल पॉइंट, तो तुमको मिलेगा एल टू डिस्टेंस पे, और तुमको कैपिटल आर का वैल्यू तो पता ही रहेगा, तो वहाँ से बस सिंपल सी कहानी क्या है कि स्मॉल आर बराबर एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू कैपिटल आर। देखो कितना आसान है ये फाइंड करना इस पोटेंशियोमीटर से, इसमें कोई तकलीफ। ओके देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, तुमको फाइंड करना है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, जल्दी से इसको सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन है कि अब पोटेंशियोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। ओके यहाँ पे हमको सेल का ईएमएफ भी पता है, हालांकि कुछ इसका काम आने वाला है नहीं। द बैलेंस पॉइंट ऑफ सेल इन ओपन सर्किट इज एट 76.3 सेंटीमीटर, मतलब जब हम लोग कैपिटल आर को सर्किट में नहीं ले रहे हैं तब उसका बैलेंस पॉइंट मिल रहा है हमको 76.3 सेंटीमीटर पे, मतलब हमको L1 पता है, L1 इज इक्वल टू 76.3 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला कि व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 9.5 ओम, मतलब कैपिटल आर 9.5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 64.8 सेंटीमीटर, हमको L2 दिया हुआ है 64.8 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या था L1 by L2 minus 1 into capital R, बस वैल्यू पुट करना है 76.3 by 64.8 minus 1 into 9.5, ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 1.7 ओम, चल मैं 1.68 आएगा उसको जब हम लोग राउंड अप करेंगे तो आएगा 1.7, तो 1.7 ओम इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखो इसमें एक तुम्हारा कहानी आता है सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, देख लो बोर्ड्स के लिए छोटा टॉपिक है, तो टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, हमने इसका लिखा है होता क्या है। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर मीन्स द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, कम से कम मेजरमेंट जो हम पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब देखो इसका सेंसिटिविटी जितना कम होगा, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी जितना कम होगा मेरा पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम वैल्यू भी वो रीड कर पाएगा, समझे ना। तो इसीलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट हमसे सवाल ऐसा आता है या हमसे सवाल पूछा जाता है कि हाउ कैन वी डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, तो वही हमने लिखा है कि एक मिनट तुम लोग थोड़ा फिर से थोड़ा जाओ दो मिनट बैक। एक्चुअल में हमने क्या बोला कि सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज कि कम से कम कितना रीडिंग वो ले सकता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ, और वो जितना कम रीडिंग सही सही मेजर करता है उतना हम बोलते हैं कि मेरा पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव है। अब पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि आप जो रीडिंग ले रहे थे उसको आपको डिक्रीज करना होगा, तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझो कि इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर का मतलब ये हुआ कि आपको आप जो उससे कम से कम रीडिंग ले रहे थे उसको आपको और डिक्रीज करना है, या ऐसा बोलो कि आप उसका लीस्ट काउंट को और डिक्रीज कर दो, कम से कम रीडिंग वो ले पाए, तो हम बोलते हैं कि मेरा जो पोटेंशियोमीटर है उसका सेंसिटिविटी मैंने इंक्रीज कर दिया है, अब मेरा वो ज़्यादा और सेंसिटिव हो गया है,
मतलब कि वो और भी कम रीडिंग ले सकता है, तो ये अपनाएंगे। इट कैन बी इंक्रीज्ड, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो आपका के था ना, कि के डिक्रीज करके हम लोग इसका सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर के को डिक्रीज करोगे तो फिर वो जो पर्टिकुलर लेंथ में ईएमएफ करेगा मेजर, वो भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि वो अब और भी कम वो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ वो मेजर कर पाएगा, तो हम बोलेंगे कि उसका सेंसिटिविटी इंक्रीज कर गया है। तो सिंपल सी कहानी है कि इट कैन बी इंक्रीज बाई डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द सेम कैन बी अचीव, मतलब कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज, अगर हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज बाय नंबर वन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, एंड नंबर दो बाय डिक्रीजिंग करेंट, बाय डिक्रीजिंग करेंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर। जितना कम करेंट जाएगा उतना उसके क्रॉस कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो फिर जो कम रीडिंग ले पाएगा वो भी आपका घट जाएगा, कम हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर या फिर बाय डिक्रीजिंग करेंट इन द पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर वायर। और ये करने से आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट करेगा डिक्रीज, आपका सेंसिटिविटी करेगा इंक्रीज। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान देना, डिक्रीज और इंक्रीज में, इससे सेंसिटिविटी करेगा इंक्रीज। बोलो इसमें कुछ कष्ट किसी को?